जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं माँ कमला देवी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि की दसवीं महाशक्ति और महाविद्या देवी कमला हैं। माँ कमला साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। यह खुशहाली, वैभव, सौभाग्य, धन यश की प्रतीक है। माँ कमला परम सौभाग्य प्रदान करने वाली है। जो साधक इनकी आराधना करता है, यह उनका घर धन और अन्न से परिपूर्ण कर देती है। नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि का समापन भी श्री कमला की आराधना से होता है। कमल के पुष्प पर विराजमान देवी कमला का संबंध कमल से है। कमल के पुष्प पर आसीन होने के कारण माँ का नाम कमला पड़ा। माँ कमला को कमल का पुष्प अति प्रिय है। कमल कीचड़ और दलदल में खिलता है। इसका अर्थ है नकारात्मक परिवेश होने पर भी सकारात्मक के पुष्प खिल सकते हैं। स्वच्छता और पवित्रता माँ को प्रिय है। उनको प्रकाश प्रिय है। अंधेरे से यह नफरत करती हैं। यह नारायणी है। जब माँ कमला किसी पर प्रसन्न होती हैं, तो ये तिजोरियाँ भर देती हैं। यदि अप्रसन्न हो जाती हैं, तो अपनी बहन अलक्ष्मी की तरह ये राजा को रंक बना देती हैं। देवी की आराधना तीनों लोकों में दानव, देवता तथा मनुष्य सभी करते हैं। माँ कमला आदिकाल से ही त्रिभुवन के समस्त प्राणियों द्वारा पूजित हैं। माँ की कृपा के बिना निर्धनता, दुर्भाग्य, रोग इत्यादि होते हैं। इस सब रूप में माँ कमला अत्यंत ही दिव्य तथा मनोहर एवं सुंदर हैं। माँ की उत्पत्ति समुन्दर मंथन के समय हुई थी तथा इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया था। माँ कमला तांत्रिक लक्ष्मी के रूप से भी जानी जाती हैं। श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी की आराधना कर देवी श्रीपद से युक्त हुई तथा महालक्ष्मी नाम से व्याख्यित हुई थी। माँ कमला चतुर्भुजी हैं। दस महाविद्याओं में माँ कमला की आराधना से गुप्त नवरात्रि संपन्न होती हैं। माँ कमला ही अन्नपूर्णा है। सौभाग्य और सौंदर्य की उपमा उनसे ही दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी माँ कमला के वर्णन की कथा। जो कोई भी माँ कमला की सच्चे दिल से आराधना करता है, उनकी पूजा विधि विधान से करता है, माँ उसको धन दौलत की कोई कमी नहीं होने देती। उसके सभी रोग, सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।